कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तोमर कोचिंग क्लासेस में। मंदिरों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जागेश्वर धाम द्वारा ये आपका द्वाराहाट मंदिर समूह ये हमने पढ़ लिया है। आगे हम जो है कटारमल का सूर्य मंदिर, ये हमने सूर्य मंदिर हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता आपका जो मंदिर समूह है, इसमें आपका घोलू देवता का जो मंदिर है, घोलू देवता का मंदिर, इसके अध्ययन करेंगे हम, इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिएगा जो घोलू देवता जो मंदिर है, घोलू देवता, तो इन्हें जो है कुमाऊँ क्षेत्र में पूजा जाता है। कुमाऊँ क्षेत्र में इन्हें न्याय का देवता के नाम से पूजते हैं। न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है कुमाऊँ क्षेत्र में। और यहाँ पर जो घोलू देवता का जो मंदिर है उसको चितई मंदिर या घंटियों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस एक कहानी के अनुसार इसे बोलते हैं कि जो घोलू देवता है ये झालूराई, ये कथुरी राजा थे झालूराई, और उनका आठवां विवाह था देवी कलिंगा से। तो उनके पुत्र थे कालूबिष्ट, और जो कि एक चंद राजा हुए हैं बाजबहादुर चंद, उनकी सेना में जनरल थे। तो इन्हें जो है कालूबिष्ट को घोलू देवता के रूप में इनकी पूजा होती है कुमाऊँ क्षेत्र में, ठीक है। और इन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इन्हें यहाँ पर जो है घोलू देवता मंदिर में जो मन्नत मांगते हैं वो चिट्ठी में लिख करके जो है मन्नत मांगी जाती है। और घोलू देवता की जो मंदिर है वो कई जगह कुमाऊँ में, जैसे आपका नैनीताल में गोड़ाखाल में है मंदिर, गोड़ाखाल में भी घोलू देवता का मंदिर है, अल्मोड़ा में भी मंदिर है, और ताड़ीखेत में मंदिर है, ठीक है, चंपावत में घोलू देवता का मंदिर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से घोलू देवता के जो मंदिर की लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये स्थिति पूछी जाती है, जगह पूछी जाती है कि घोलू देवता, या ऐसे पूछा जाता है कि कुमाऊँ क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में किस देवता को पूजते हैं, तो वो है घोलू देवता है, ठीक है। घोलू देवता की पूजा होती है, न्याय के देवता के रूप में पूजा की जाती है, और मन्नत जो है चिट्ठी में लिख करके मांगते हैं, ठीक है। और चितई मंदिर या घंटियों का मंदिर भी इसको कहते हैं, घोलू देवता के मंदिर को। और घोलू देवता को गौरिल देवता के नाम से भी जानते हैं, गौरिल देवता के नाम से भी जाना जाता है घोलू देवता को। और देखिएगा जो मंदिर है ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर है, तो इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। एक तो नैनीताल में घोड़ाखाल में है, अल्मोड़ा में है दो, और आपका चंपावत में है तीन है, और आपका जो ताड़ीखेत है वहाँ पर चार। तो चार जगह जो है घोलू देवता के मंदिर है, तो इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं दर्शा देता हूँ घोलू देवता मंदिर। घोलू देवता मंदिर देखिएगा, घोलू देवता मंदिर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछा कि कहाँ कहाँ पर है, तो देखिएगा घोलू देवता मंदिर एक तो अल्मोड़ा में, याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, अल्मोड़ा में है। दूसरा आपका नैनीताल में है, नैनीताल में आपका घोड़ाखाल में है। ये घोड़ाखाल आपका नैनीताल में है, तो नैनीताल में ही, ठीक है, नैनीताल में जो है स्थित है। और अगला आपका है चंपावत में जो है घोलू देवता का मंदिर है, और ताड़ीखेत में जो है ये आपका घोलू देवता का मंदिर है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी जगह है, अल्मोड़ा एक, घोड़ाखाल दो, चंपावत तीन, और ताड़ीखेत चार। तो चार जगह है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, इसलिए मैंने दोहरा दिया है, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल, चंपावत, ताड़ीखेत, ये चार जगह है घोलू देवता का मंदिर है। इन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा की जाती है, न्याय के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ध्यान रखेंगे, जाती है घोलू देवता की। और यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं चिट्ठी में लिखकर, मन्नत कैसे मांगते हैं, चिट्ठी में लिखकर जो है यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। और इन्हें गौरिल देवता के नाम से भी जानते हैं, गौरिल देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके मंदिर को चितई मंदिर, जो घोलू देवता का मंदिर है, चितई मंदिर, या इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, घंटियों वाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चितई मंदिर या घंटियों वाला जो मंदिर है, किस देवता के मंदिर को बोलते हैं, घोलू देवता के मंदिर को बोलते हैं। अच्छा, एक कहानी के अनुसार झालूराई
जो कि कथ्यूरी राजा थे, ये कथ्यूरी राजा थे, कथ्यूरी राजा राजा थे, और इनका जो विवाह हुआ था, आठवां विवाह हुआ था देवी कलिंगा से, देवी कलिंगा से, देवी कलिंगा से इनका आठवां विवाह हुआ था। तो इनकी संतान के रूप में जो है ये कालूबिष्ट, कालूबिष्ट नाम के इनके जो है, देखिएगा इनके पुत्र हुए थे जिनका नाम कालूबिष्ट रखा था। तो एक कहानी है उसके अनुसार कालूबिष्ट रखा था, और ये जो है जो बाज बहादुर चंद, चंद राजा हुए बाज बहादुर चंद, तो इनकी सेना में भर्ती हुए थे, और ये जो है जनरल के पद पर थे, जनरल के पद पर थे, बाद में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इनको जो है कुमाऊँ बहुत अच्छे सेनापति रहे होंगे। ठीक है, तो आहुति दे दी इन्होंने अपने राज्य के लिए। तो यहाँ पर जो है इन्हें कुमाऊँ क्षेत्र में देवता के रूप में पूजते हैं, ऐसी कहानी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरल थे कहाँ पर, जो बाज बहादुर चंद हैं, बाज बहादुर चंद, तो उनकी जो सेना है उसमें जो है ये जनरल के पद पर थे, जनरल के पद पर थे, और इन्हें जो है ठीक है अब कुमाऊँ क्षेत्र में पूजा जाता है, गोलू देवता के रूप में पूजा की जाती है इनकी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये इसे बोलते हैं, इन्हें जो है भैरव का अवतार मानता है, भैरव देवता का अवतार जो है इनको मानते हैं, भगवान शिव के रूप में इनको देखा जाता है, भैरव का अवतार इनको मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी थोड़ी सी जानकारी है गोलू देवता के बारे में, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये आपका शुरू का है, जो गोलू देवता जो मंदिर है, कई बार पूछे कि कहाँ कहाँ है, तो अल्मोड़ा में मंदिर है, घोड़ाखाल में मंदिर है, चंपावत में है, ताड़ीखेट में मंदिर है। ठीक है, न्याय के देवता के रूप में जो है कौन से भगवान की पूजा करते हैं, ये तो आपका गोलू देवता है, गोलू महाराज है। ठीक है, मन्नत कैसे मांगी जाती है, चिट्ठी में लेकर जो मन्नत मांगते हैं, इनको गौरील देवता के नाम से भी जानते हैं, इनके जो मंदिर है उसको चिताई मंदिर या घंटियों वाला मंदिर भी बोलते हैं। और ये झालू राय जो कथ्यूरी राजा थे, और इनका विवाह हुआ था, झालू राय का आठवां विवाह हुआ था देवी कलिंगा से, एक कहानी बोलते हैं कि उस जो उनके पुत्र थे ये, ठीक है, इन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, ये भैरव देवता का अवतार मानते हैं इनको। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी जो है इनके बारे में कहते हैं। ठीक है, तो बस आज जो है गोलू देवता है, इसके इनके बारे में मंदिर है, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने जो थोड़ी सी जानकारी थी वो आपको दे दी है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता तो आप आंसर दे देना कि कुमाऊँ क्षेत्र में जो है न्याय के देवता के रूप में किसे पूछते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा गोलू देवता को। ठीक है, कौन सा मंदिर जहाँ पर जो है चिट्ठी में लिख करके मन्नत मांगी जाती है, तो यही गोलू देवता मंदिर है, जिसे चिताई मंदिर या घंटियों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये मंदिर है। ठीक है, और न्याय के देवता के रूप में पूजा की जाती है, और जगह कौन कौन सी कहाँ कहाँ मंदिर है, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल, चंपावत, ताड़ीखेत में। तो बस आज के क्लास में इतना ही, बाकी जो है आगे जो मंदिर है उसको छोटी छोटी क्लास लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आज क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।